नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो बेटे, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र का खंड खा अध्याय एक परिचय का भाग एक पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बेटा है प्राक कथन। प्राक कथन, प्राक कथन, प्राक कथन। तो सन 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम ओस्लो विश्वविद्यालय, ओस्लो विश्वविद्यालय बेटा नॉर्वे पढ़ता है। नॉर्वे एक देश है यूरोप महाद्वीप का, जिसकी राजधानी ओस्लो है। तो वहाँ के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फिश ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में विभक्त किया था। तो पहला था समिष्ट अर्थशास्त्र और दूसरा था व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके विषय में हम सबसे पहले जान लें। तो नंबर एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं, देखें भाई। तो इसमें कीमत, इसमें जो है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे उपभोक्ता की समस्या। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें बताया गया है कि इसमें व्यक्तिगत स्तर पर के यानी किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक समस्याओं, जैसे एक उपभोक्ता की समस्या हो गई, उपभोक्ता की कोई समस्या है, या एक फर्म उद्योग की कीमत निर्धारण की समस्या है, का अध्ययन किया जाता है। इसे बेटा कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अब उपभोक्ता की समस्या, मान लीजिए वस्तुओं के रेट अधिक हैं, वस्तुओं की कालाबाजारी हो रही है, या वस्तुओं की कीमतें अधिक हैं, या वस्तु नहीं मिल पा रही है, तो इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसलिए बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अब नंबर दो बेटा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। नंबर दो में आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र बेटा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, तो देखिए भैया, इसमें आर्थिक समस्याओं का सामूहिक रूप पर अध्ययन किया जाता है, यानी एक समुदाय का, समुदाय के स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल रोजगार, इसे आय तथा रोजगार भी सिद्धांत कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। तो इसमें अर्थशास्त्र जैसे अर्थव्यवस्था का कुल उपयोग, यानी कितने हमारे पास धन है और उसका हम किस किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, कुल निवेश, निवेश का मतलब है कितना हम यानी वस्तुओं के उत्पादन पर लगा रहे हैं, और कुल रोजगार यानी उस यानी देश में जो व्यवसाय हैं कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए बेटा इसे कहा जाता है आय तथा रोजगार सिद्धांत। अब बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे समिष्ट अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे, समष्टि अर्थ शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समिष्ट अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे। तो इसमें बेटा क्या है कि इसमें जो है समिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है।
जो आर्थिक अर्थ संबंधी यानी धन संबंधी व्यवस्थाएं हैं उनका हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो पहले जो इसकी पहली परिभाषा है वो है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, पहली जो इसकी परिभाषा है वो है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। तो प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बताते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो बेटा इन्होंने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता अपितु इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। जो समूह है सामूहिक रूप से व्यक्तिगत आयों का नहीं यानी किसी एक व्यक्ति की आयों का नहीं अपितु राष्ट्रीय आय का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत कीमतों का नहीं अपितु जो है क्या है भैया कि अपितु सामान्य कीमत स्तर का व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन का। कह रहा है कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत कीमतों का नहीं सामान्य कीमतों का और व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं राष्ट्रीय उत्पादन का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। दूसरे बेटा हैं सुलज के अनुसार है, दूसरे जो आपके अर्थशास्त्री हैं वह हैं सुलज। सुलज के अनुसार, सुलज के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा किस प्रकार दिया है? सुलज ने कहा है कि इन्होंने बताया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है भैया? समष्टि अर्थशास्त्र का जो है मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है भैया, इन्होंने ऐसे बताया है। अब सेपीरो ने अपनी परिभाषा दी है, तीसरी जो परिभाषा है वो है सेपीरो। सेपीरो के अनुसार सेपीरो क्या बताता है भैया? तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य और कारण से संबंधित है। जो समष्टि अर्थशास्त्र भैया ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारण से संबंधित है। अब आपको हम पढ़ाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। आगे देखें भैया समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं भैया। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को पांच भागों में बांटा गया है भैया। इसमें है नंबर एक में आता है आय उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत। आय उत्पादन और रोजगार यानी आय क्या है उत्पादन क्या है लोगों को रोजगार कैसे मिलता है इसका उन्होंने सिद्धांत दिया है, इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर दो बेटा आपका आता है कीमतों का सिद्धांत यानी वस्तुओं की कीमत क्या है कैसी रहती है। नंबर तीन में आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत और नंबर चार में आता है वितरण। नंबर चार में भी आता है वितरण समष्टि परक सिद्धांत। वितरण समष्टि परक सिद्धांत ये चौथा है और पांचवा है भैया व्यापार चक्र का सिद्धांत। व्यापार चक्र का सिद्धांत। अब बेटा समष्टि अर्थशास्त्र के दोष अथवा सीमाएं आपको पढ़ा दी जाए। समष्टि अर्थ शास्त्र के दोष अथवा सीमाएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के दोष
अथवा सीमाएं। तो इसमें पहला बेटा निम्नलिखित हैं, इनको हमने अलग अलग भागों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें पहला है भैया आपका, पहला दिया है कि व्यक्तिगत तथा व्यक्तियों के लघु समूहों पर लागू किए जाने वाले निष्कर्ष सदा सही नहीं होते। क्या बताया गया है इसमें कि व्यक्तिगत तथा व्यक्तियों के लघु समूहों पर लागू किए जाने वाले निष्कर्ष सदा सही नहीं होते हैं। जैसे समस्त अर्थात का संबंध योग से है, कभी कभी व्यक्ति तथा समूह से संबंधित परिणामों के योग को समस्त परक विश्लेषण का आधार मान लिया जाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है बेटा, परंतु यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्तियों तथा लघु समूहों के संबंध में सत्य है वह संपूर्ण समाज तथा अर्थशास्त्र के संबंध में सही होगा। अब बेटा उदाहरण के लिए है, व्यक्ति बचत अच्छी है तथा सामाजिक बचत क्या है? अभिशाप है। क्या है बेटा? व्यक्तिगत बचत तो अच्छी होती है, लेकिन सामाजिक बचत जो है अच्छी नहीं होती है, वो क्या है? एक अभिशाप कहलाती है। नंबर दो भी मेरा आता है, समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये मतलब बताया है कि समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें बेटा देखा है, व्यवहार में समाज अथवा समूह महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसकी रचना महत्वपूर्ण होती है। देखिए बेटा, कोई समाज या कोई समूह महत्वपूर्ण नहीं होती है, उसकी रचना किस प्रकार हुई है, उसकी रचना कैसे की गई है, ये महत्वपूर्ण होता है। अतः समूह या योग के आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, जब तक कि समूहों की रूपरेखा जो है प्रकृति अथवा संरचना आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना ली जाए, ऐसा बताया गया है। बेटा इसमें नंबर तीन जो बिंदु है वो दिया गया है, समूह महत्वपूर्ण एवं रोचक होना चाहिए। बेटा जैसे कोई समूह है तो वो महत्वपूर्ण भी होना चाहिए और रोचक भी होना चाहिए। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समस्त अर्थशास्त्र में उपभोग किए जाने वाले समूह महत्वपूर्ण रोचक तथा जो है परस्पर संबंधित होने चाहिए। तो अब भैया देखिए इसमें क्या है, इसमें हम आपको उदाहरण के द्वारा कि यानी ये जो अर्थशास्त्र है इसमें समूह महत्वपूर्ण एवं रोचक होने चाहिए जो है समित अर्थशास्त्र के अंतर्गत, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो जैसे बेटा इसमें दिया गया, जैसे 6 सेब हैं और प्लस 7 सेब हैं तो बराबर वस्तुएं हो गई कितनी? 11 हो गई। अब यहाँ भी सेब है और यहाँ भी सेब है तो संबंध अच्छा है, क्या है? संबंधित है। तो ये क्या है बेटा? ये रोचक विषय है। क्या है? रोचक विषय है। नंबर दो में जैसे आपका आता है 6 सेब प्लस 7 आम हो गया, प्लस 7 आम हो गया तो बराबर वस्तुएं 13 हो गई। वस्तुएं कितनी हुई? 13 हो गई। तो ये भी संबंधित है, क्योंकि फल और फल यानी सेब भी फल है और आम भी फल है, तो संबंधित भी हैं और रोचक भी हैं। नंबर तीन में आपका आता है, जैसे मान लीजिए 6 सेब हैं और इनमें जोड़ा दिया जो है जोड़ दिया जाए 7 मकान जोड़ दिया जाए। वस्तुएं तो 13 ही हुई, लेकिन क्या हुई? इसमें रोचकता समाप्त हो गई। क्या हुई इसमें भैया? वस्तुएं तो कितनी हुई? यह समूह क्या है? महत्वपूर्ण यानी यह समूह क्या है बेटा? महत्वपूर्ण तो है लेकिन निरर्थक है। क्या है बेटा? ना तो ये जो है ना तो इसमें संबंध है, यानी ना तो ये संबंधित है और ना ही ये क्या है? रोचक, अर्थात ये क्या हो गया? निरर्थक हो गया है ना बेटा ये।
तो यानी जो आपका जो है समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत क्या है बेटा कि जो समूह हो वह महत्वपूर्ण एवं रोचक होने चाहिए। नंबर चार बेटा आता है समूह की माप संबंधी कठिनाइयां हैं। भैया समूह में माप यानी जैसे समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके अंतर्गत जो जैसे समूह की माप है यानी उस यानी जैसे समूह को मापना क्या है यानी बहुत जो है कठिन है। तो आर्थिक समूह का जैसे तो निर्माण जिन जैसे इकाइयों से होता है वह विभिन्न स्वभाव वाली होती हैं। भैया जैसे 2 मीटर जो है कपड़े को 2 किलो चीनी से संबंधित नहीं किया जा सकता है यानी जोड़ने तो 2 किलो चीनी से नहीं जोड़ा जा सकता है। इन सब को एक साथ जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है भैया हमारे पास एक मापदंड है मुद्रा का जिसको मुद्रा गया यानी इनका इनके यानी जो है सभी को मापने के लिए हम जो है मुद्रा का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। लेकिन बेटा मुद्रा की कीमत निरंतर बदलती रहती है वो जो है यानी एक समान नहीं रहती है कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है बेटा। तो इस वीडियो में हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में इस लेशन का शेष भाग हम आपको जो है पढ़ाएंगे। धन्यवाद।